और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार किया गया है। डीजी विजेंद्र दहिया पर आरोप भी लगाए गए हैं, जातिकरण करने का यहां आरोप लगाया है। इस दौरान बैठक का बहिष्कार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार हुआ है, इस दौरान जातिकरण करने का आरोप लगाया गया है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। डीजी वीरेंद्र दहिया पर आरोप लगाया गया है जातिकरण करने का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डीजी वीरेंद्र दहिया पर आरोप लगे हैं, जातिकरण के आरोप डीजी पर लगे हैं। परिवहन मंत्री की बैठक का बहिष्कार किया गया है। यहां पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने परिवहन मंत्री की बैठक का बहिष्कार किया है। तो रेडवेज एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति के सदस्यों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार किया है। बता दें कि यूनियन के सदस्यों ने इस दौरान कहा है कि बैठक में एससी वर्ग के कर्मचारियों का कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर पर प्रमोशन हुआ है, उसको रोकने का मामला बैठक में उठाया गया था, लेकिन बैठक के बाद बैठक में अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि जात पात की बात बैठक में नहीं की जाए। इसी को लेकर एससी संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि उनको बैठक में अपनी बातें नहीं उठाने दी गई हैं, जिसको लेकर बैठक में ये बहिष्कार करने का फैसला संघर्ष समिति की तरफ से किया गया है। एससी संघर्ष समिति की तरफ से यहां पर परिवहन मंत्री की बैठक का बहिष्कार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि चुंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, परिवहन मंत्री की बैठक का बहिष्कार किया गया है, इस दौरान जातिकरण करने का आरोप भी डीजी पर लगा है। जी बिल्कुल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा जो है आज 13 यूनियन की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत वो जो भी उनकी मांगे हैं उन पर विचार विमर्श कर जो है उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसी यूनियन के अंतर्गत जो है ये एससी संघर्ष समिति एक यूनियन है जो वहां पे मौजूद थी, और खासतौर पर उनका कहना था कि डीजी ट्रांसपोर्ट द्वारा जो वीरेंद्र भैया है उनके द्वारा ये कहा गया था कि रोडवेज के अंदर जो है वो किसी भी तरीके की जातिगत तरीके से जो है वो यूनियन नहीं बननी चाहिए, जिसके रोष स्वरूप जो उन्होंने जो है वो बहिष्कार किया बैठक का, और उसके बाद वो नारेबाजी करना उन्होंने हरियाणा निवास में ही शुरू कर दिया था। बिल्कुल रवि, इस दौरान एससी संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि वो एसपी से शिकायत भी करेंगे। एसपी से शिकायत करने के बाद क्या उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा? जी जी जी, आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि डीजी ट्रांसपोर्ट वीरेंद्र भैया के खिलाफ जो है वो बाकायदा जो है वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएंगे, लेकिन उनकी समस्याओं का अगर समाधान ढूंढा जाए तो इसके चलते जो है उनका समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और खासतौर पर ये भी कहना चाहूंगा कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा सीधे शब्दों में कहा गया कि कोई भी यूनियन, कर्मचारी यूनियन जो है वो जातिगत जो है वो उससे जातिवाद तरीके से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, जिसको लेकर जो है उसको रोष प्रकट किया गया था और एससी संघर्ष समिति द्वारा। जी जी बिल्कुल, लेकिन अब एससी संघर्ष समिति की तरफ से जो अभी ये बहिष्कार किया गया है, ऐसे में परिवहन मंत्री क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि उनकी बैठक का बहिष्कार यहाँ पर किया गया है। आखिर परिवहन मंत्री ही अगर संघर्ष समिति या यूनियन के सदस्यों की मांगे नहीं पूरी करेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, मांगे पूरी करना तो खैर बात की बात है, लेकिन मांगे भी यहाँ पर सुनी भी नहीं जा रही, उनकी बातें भी नहीं सुनी जा रही, ऐसे में बहिष्कार तो बनता है। उसकी तरफ से परिवहन मंत्री अब क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे? परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाया था उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन 13 यूनियनों को इनवाइट किया गया था, जिसमें से एक यूनियन जो थी वो जातिगत तरीके से, जिस तरीके से आपको बताया गया कि एससी संघर्ष समिति, तो बाकी जो यूनियंस हैं उनमें से 3 यूनियंस ने ये कहा कि हम जो है इकट्ठा जो है एक जिसको कहते हैं कि इकट्ठा एक मांग सूत्र जो है वो तैयार करेंगे, और वो मांग सूत्र जो है मांग पत्र जो है वो हम परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को देंगे, जिसके बाद अब ये एससी संघर्ष समिति के जो कर्मचारी हैं वो अलग से ही बाकी यूनियंस के से हटकर जो है अलग रणनीति के तहत जो है वो अब शायद जो है पुलिस स्टेशन में जाकर डीजी वीरेंद्र के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज करवाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज चहल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं रोडवेज एससी कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मांग को उठाया, हमारी सवाल को उठाया मैम। जी मैडम, आज जैसा कि माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जो बैठक होने वाली थी, उसके लिए हमें निदेशक विभाग से निदेशक के द्वारा पत्र जारी करके बुलाया गया, लेकिन जब हमने अपनी मांगे माननीय मंत्री महोदय के समक्ष
और अधिकारियों के समक्ष रखनी चाहिए कि हमारे साथ प्रमोशन में आरक्षण हमारे को नहीं दिया जा रहा, हमारे कर्मचारियों की प्रमोशन नहीं की जा रही, उनके हक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जब हमने अपनी मांग रखनी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इस दौरान परिवहन मंत्री का कहना है कि जातिगत मामले इस बैठक में ना उठाए जाए, जातिवाद का इस्तेमाल ना किया जाए। नहीं मैडम, इसमें जातिगत की बात नहीं, जब अन्याय या हक अधिकारों का हनन जातीय तौर पर किया जाता है, हमारा परिवहन विभाग में 20% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हमारी यूनियन, और उन कर्मचारियों की मांगों को दबाने का, उनकी आवाज को दबाने का काम निदेशक महोदय ने किया, श्री वीरेंद्र भैया जी ने, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमारे साथ जातिगत दुर्भावना के साथ आचरण किया, व्यवहार किया, हमारा बड़ी सभा में अपमान किया उन्होंने, और उन्होंने हमारे को बाहर निकल जाने के लिए, सभा से बाहर निकल जाने के लिए कहा। तो अब ये जो बहिष्कार किया गया है बैठक का, क्या लगता है इससे आगे परिवहन मंत्री की तरफ से कुछ संज्ञान लिया जाएगा या आपकी बातें सुनी जाएंगी? ये हमारी बातें उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि आप अलग से मिले। मैंने माननीय परिवहन मंत्री महोदय ने, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने हमने बात रखी कि हमने बार बार जो है डीजी महोदय को पत्र लिख के बातचीत के लिए निवेदन किया, लेकिन डीजी महोदय के द्वारा एक बार भी हमें बातचीत के लिए समय नहीं दिया गया, और उन्होंने, और जब माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में मिली है उसमें हमारे को बोल नहीं दिया जा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि जातीय दुर्भावना डीजी महोदय के मन में कितनी है। उन्होंने हमारे को बोलने का मौका नहीं दिया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारे कर्मचारियों के साथ हुए जो ने अपोगे कुठाराघात को नहीं समझा, उनकी बात नहीं सुनी थी, उन्होंने हमारे को अपमानित किया बड़ी सभा में। उत्पीड़न के विरुद्ध हम माननीय एसपी चंडीगढ़ सेक्टर 9 के पास हम मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं उधर, और इसके खिलाफ आयोग में भी हमने शिकायत की है, माननीय मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है, और माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और विपक्ष के नेता को भी शिकायत की है। जी बिल्कुल, आपने मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है और तमाम जगहों पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कर्मचारियों को खाने वाली सरकार मुर्दाबाद। और इसी के साथ